नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब की वीडियो में। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, मेरा जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, उसमें हम जो हमारे इंडियन रेमेडीज है उसके ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं। तो अल्फाबेटिकल लेटर ए का जो जो इम्पोर्टेंट दवाइयों था वो ख़त्म हो चुका है, अभी अल्फाबेटिकल लेटर बी का स्टार्ट करते हैं हम। सबसे जो पहला दवाई है बोरेलिया डिफ्यूज़ा, ये एक इम्पॉर्टेंट दवाई है दोस्तों। वैसे तो और भी कुछ दवाइयाँ हैं लेकिन जो क्लिनिकली ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही इफेक्टिव है आप सबके लिए, उसको मैं बस जिक्र करूंगा। आज का जो इम्पोर्टेंट दवाई वो है बोरेलिया डिफ्यूज़ा। हमारी जो मातृभाषा में उसको श्वेत पुनर्नवा भी कहते हैं दोस्तों। ये एक इम्पोर्टेंट, जान बचाने वाला एक दवाई है जो सबके लिए ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि एक कॉमन सी बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा कुछ है जो कि फैल रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियाँ हैं जो लगभग 90% से ज़्यादा लोगों को पाई जाती है, तो उन बीमारियों के लिए बहुत ही असरदार है बोरेलिया डिफ्यूज़ा। तो आप लोग वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, कम्प्लीटली देखिए, मिस मत करें, जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकल इसका इस्तेमाल होता है वो है ड्रॉप्सिकल कंडीशन। ड्रॉप्सी मतलब शरीर में किसी भी जगह पर किसी भी हिस्से में अगर पानी बहुत ज़्यादा जम जाता है, जो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है वो अंदरूनी तौर से हो या बाहर का टिश्यू फ्लूइड हो, अगर वो जमा हो जाता है तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस चीज़ को एफेक्टिवली कंट्रोल में लाता है बोरेलिया डिफ्यूज़ा। मदर टिंचर में इसका इस्तेमाल होता है, आप वीडियो के अंत में देखना, मैं इसका डोजेस प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। अभी बीमारियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो कि ये दवा इफेक्टिवली काम करता है। क्लिनिकली मैंने कहा कि ड्रॉप्सिकल कंडीशन, चाहे आंखों के नीचे हो, फिर शरीर में किसी भी जगह, हाथों में, पैरों में, या फिर अंदरूनी तौर से भी लीवर में, हार्ट में, या फिर जो हमारा पेरिटोनियल कैविटी है उसमें कहीं पर भी हो, तो ये क्या करता है कि एक्सेस यूरिनेशन करके, ये दवा खाएंगे तो यूरिन बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेस यूरिनेशन करके वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकाल देता है। ये उसका मोड ऑफ एक्शन है जो कि वो ड्रॉप्सिकल कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। ठीक इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए, इसका रिलेटेडली हाई बीपी अगर होता है, अस्थमेटिक कंडीशन होता है, जॉन्डिस होता है, तो भी बहुत ही इफेक्टिवली रूप में काम करता है। उसको एडिशनली आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरे कोई भी पोटेंसी मेडिसिन आप दें, इसको आप एडिशनली दीजिए, बहुत ही क्विकली काम करेगा। बोरेलिया डिफ्यूज़ा एक इम्पॉर्टेंट दवाई है दोस्तों, आप लोग ज़रूर सर्च करना, बहुत सारी कंपनियों में इसका मिल जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम है। आजकल देखा जा रहा है कि खाने पीने का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज वगैरह की कमी हो, या फिर ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, दवाइयों का साइड इफेक्ट हो, तो बहुत सारे लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम या फिर लीवर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये दोनों जो बीमारियां हैं, हार्ट का प्रॉब्लम हो या लीवर का, लीवर से रिलेटेड जॉन्डिस हो, हेपाटाइटिस है, बहुत सारी दूसरी भी बीमारियां हैं जिनमें भी आप बोरेलिया डिफ्यूज़ा को यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली पोटेंसी मेडिसिन के साथ, और आप इसको लगातार दे सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट एक महीना दीजिए, फिर उसको 15 दिन 20 दिन गैप करिए, फिर आप उसको चालू करिए। ये इम्पोर्टेंट दवाई है दोस्तों, जो कि आपको वेनम वाले, जो पॉइजन वाले, टॉक्सिन वाले, जो कुछ एनिमल्स ने अगर आपको काट लिया, जैसे कि बंदर हुआ, कुत्ता हुआ, या फिर कुछ ऐसे पॉइजनस कुछ एनिमल्स हैं, उन्होंने अगर काट लिया तो उसको भी, उस जहर को भी एंटीडोट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक खास दवाई दोस्तों। कुछ ऐसे क्लिनिकल टिप्स मैं आपको अभी दे रहा हूँ जो कि इफेक्टिवली आपके लिए यूज होता है, आपका जान भी बचा सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने वाली ये दवाई है दोस्तों। इसको ज़रूर अपने घर में रखिए, कभी ना कभी आपके काम में आएगा। तो जैसे मैं कहा था वीडियो के अंत में, मैं डोज के बारे में बताऊंगा। जो एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन में आप 20 बूंद हर दो दो तीन तीन घंटे में दे सकते हैं। अगर जो पॉइजनस वेनम्स वाले जो कुछ एनिमल ने काट लिया, तो 10-10 बूंद हर 15-15 मिनट में भी दे सकते हैं। रिलीफ आने पर उसका ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। जो कि क्रिटिकल कंडीशन है, ड्रॉप्सी वाले कंडीशन में आप 20 बूंद दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं। यूरिन बहुत ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद आपका ड्रॉप्सिकल कंडीशन कम हो जाएगा, आप उसका डोज भी रिड्यूस कर देना। ये उसका पर्टिकुलर सिस्टम है। रिलीफ होने के बाद भी आपको कंटिन्यूसली रिपीटेडली सेम डोज में उसको लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करना है,
कोई भी बीमारी दवा लेने के बाद अगर आपको रिलीफ हो जाए तो आप उसको डोज कम कर दीजिए या फिर उसका ड्यूरेशन कम कर दीजिए। एलोपैथिक सिस्टम लोग यूज करते करते एक भ्रम फैल गया है, लोग बोलते हैं कि अभी ये तो कंटिन्यू लेते लेते हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ है, फिर हम उसको कैसे बंद कर दें, फिर आना जाए, हम उसको वैसे ही लेते रहेंगे, तो ये गलत है। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपोजिट है, आपका रिलीफ होते ही उसका डोज कम कर देना है, फिर उसका रिपीटेशन कम कर देना, ताकि जो प्रॉब्लम, जो सॉल्यूशन, जो रिजल्ट आपको मिला है वो लंबे समय तक बना रहे। आप सेम टू सेम लेते रहेंगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा, एग्रावेशन हो सकता है, तो वैसा ना करें, इसको प्रॉपर डोज में लीजिए और रिलीफ आने के बाद उसको बंद कर दीजिए। तो ये था आज का दवा बोहरावेयर डिफ्यूज़र, उसको ज़रूर अपने घर में रखिए, यूज़ करिए। और ऐसे ही बेहतरीन कुछ दवाएँ आने वाले दिनों में हम बताने वाले हैं, कुछ क्लिनिकल टिप्स इंपॉर्टेंट आपको मैं दूंगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, दोनों को आप विजिट करिए प्रॉपरली, हर एक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तो कोई कंफ्यूजन आप में ना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, नमस्कार।